फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य काम कर रहा था और उनका पीएफ कट रहा है या फिर कट रहा था, और आप ये जानना चाहते हैं कि भैया आप अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से किस तरीके से पीएफ के पैसों में से एडवांस के रूप में पैसा निकाल सकते हैं, तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी जॉब चालू है तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं, जितनी भी ज़रूरत है उसके हिसाब से। कई बार आप फॉर्म भर सकते हैं और आप मोबाइल फ़ोन से ही ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, आप कहीं बाहर से करवा पाओगे। आज के इस नए वीडियो में डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से किस तरीके से एडवांस का पैसा ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट से। यदि आप भी जानना हो, लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। हम सफलतापूर्वक अपने यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन होते हैं तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर के आता है। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर की साइड आना है और चले जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहीं पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसमें जो पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। जी हाँ फ्रेंड्स, यहीं से आपका पैसा मिलता है आपको, तो आपको इसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर किया जाएगा। अब यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको केवल और केवल अपना बैंक का अकाउंट नंबर फिल करना है और वेरीफाई कर लेना है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर लिया, उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको यस कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब अगर आप नौकरी करते करते पैसे निकालना चाहते हैं तो अब आपको यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे आपको केवल और केवल फॉर्म नंबर 31 ही सेलेक्ट करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बाय डिफॉल्ट यदि आप जॉब छोड़ चुके हो और अगर आपको पीएफ एडवांस का ही फॉर्म देखने को मिल रहा है, केवल और केवल 31 का ही ऑप्शन आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है। तो आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर लोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है तो फॉर्म नंबर 31 पीएफ एडवांस ही सेलेक्ट करना है। और फ्रेंड्स, यदि आपको एडवांस पैसा ही चाहिए तो भी आपको एडवांस के लिए ही फॉर्म नंबर 31 ही आता है। अब काफी लोगों के केसेस में कंपनी छोड़ चुके हैं लेकिन केवल और केवल पीएफ एडवांस फॉर्म नंबर 31 ही शो करता है और उनको पूरा पैसा निकालना है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आप एक बार डेट ऑफ एग्जिट चेक कर लो, आपका डेफिनेटली डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं होगा, इसलिए सारे ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहे हैं। और फिर भी अगर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और सब काम किया है, फिर भी ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं सारे, तो आप एक बार कमेंट करके बताओ, आपकी हेल्प मैं जरूर करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे अगर एडवांस फॉर्म आपको लेना है, पैसा निकालना है, तो आपको 31 सेलेक्ट करना है, उसके बाद से 31 से रिलेटेड सारे ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है सेलेक्ट सर्विसेज, तो इसमें आपको सर्विस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट सर्विस किस कंपनी में, तो करंट वाली कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहां पे करंट वाली जो भी कंपनी वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहां पे जब एडवांस आप निकालते हो तो इसमें अलग अलग पारा होते हैं, किस पारा से आप पैसे निकालना चाहते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट एडवांस पारा, तो इस पे सेलेक्ट करेंगे तो काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए आप जिसके लिए भी इलिजिबल है वो सब देखने को मिलेगा, किन किन चीज के लिए आप इलिजिबल हो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कुछ तो हाईलाइट है, कुछ हाईलाइट नहीं है, यानी कि जिनके लिए आप इलिजिबल हो वो तो हाईलाइट रहेगा और जिनके लिए आप इलिजिबल नहीं हो वो हाईलाइट नहीं रहेंगे। किस पारा को कब यूज करते हैं, कितना पैसा निकलता है, इसके लिए अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी के समय में जो सबसे ज्यादा क्लेम यूज होता है, सेलेक्ट होता है पारा, वो होता है इलनेस का। इलनेस के माध्यम से आप अपना कितनी बार भी पैसे निकाल सकते हो। हाँ, ये है कि आपको ध्यान देना है कि एक बार जब भी आपने क्लेम किया है वो दूसरा क्लेम करने में कम से कम एक महीने का गैप होना चाहिए, अन्यथा आपको एरर आएगा या फिर पैसा ही नहीं मिलेगा, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाद में अगर
देखिए हमने इलनेस पर सेलेक्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स उसके बाद से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि कितना पैसा आपको चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है अमाउंट, कितना अमाउंट आपको चाहिए। तो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। मान लीजिए कि आपको चाहिए 50,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, जो भी है। मैं यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ कितने जीरो हैं। मैंने यहाँ पे फिल कर लिया कि इतना पैसा हमको चाहिए। अब काफ़ी लोगों के केसेस में होता है कि भैया 40,000 चाहिए, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कितना भर सकता हूँ। तो देखिए आपको जितने रिक्वायरमेंट है उतना भर दीजिए, आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको पैसा आ जाएगा, क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। भले ही अगर आपको 32,000 मिलने वाला है तो 32,000 मिलेगा, 40 का 40 मिलने वाला है तो 40 का 40 मिल जाएगा। तो बाद में आपको पछताना न रहे कि अगर मैंने 50 भरा होता तो 50 मिल जाता। तो आप 50 भर दीजिए, आपको 50 की ज़रूरत है तो जितना है उतना भर दीजिए। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना एड्रेस एंटर करना होता है। एड्रेस करेंट का भी कर सकते हैं और आप एज पर आधार भी एंटर कर सकते हैं। तो आप एज पर आधार ही कर दीजिए। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका स्टेट है, छत्तीसगढ़, बिहार, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैं फर्जी आपको भर के दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इनका बिहार में ही घर है। देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिटी, तो सिटी आपको यहाँ पे लिख लेना है, जो भी आपकी सिटी है, और आपका एरिया का पिन कोड जो भी है, जो एड्रेस के हिसाब से डालना है तो एड्रेस के हिसाब से ही पिन कोड भी आपको डालना है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अपलोड स्कैनेड कॉपी ऑफ चेक या फिर पासबुक। अब यहाँ दोनों नहीं करना है आपको, दोनों में से कोई एक ही करना है। आप काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पे कैंसिल चेक करना है या सिंपल करना है, अगर चेक कर रहे हैं चेक के हिसाब से। तो देखिए पहले जब EPFO का रूल आया था तो कैंसिल चेक क्लिक करके आता था, लेकिन अब यहाँ पे केवल चेक लिखा हुआ है तो आप कैंसिल करके भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर सिंपल भी आप कर देंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अमाउंट आपको उसमें नहीं लिखना है। और यदि आप पासबुक करना चाहते हैं तो भैया पासबुक में आपका बैंक मैनेजर का साइन और स्टैंप होना जरूरी है, और आपका ये दोनों ही केसेस में आपको पासबुक करें या फिर चेकबुक करें, आपका IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और आपका नाम, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स उसके बाद से इस चेकबॉक्स पे आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे गेट आधार OTP करना है। आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP एंटर करना है और सबमिट कर देना है। आपका एडवांस का जो भी प्रोसेस है क्लेम करने का वो पूरा हो जाएगा, और ये विद इन 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपके सीधा अकाउंट में भी पैसा आ जाएगा। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखा। अगर पूरा वीडियो देखा तो डेफिनेटली अब आपको पता चल पाया होगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन की सहायता से बड़े आसान स्टेप्स को यूज करके अपना पैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।